नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में, जहां पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो आज हमारे पास है ओप्पो का स्मार्टफोन, जो कि ओप्पो ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना एक सस्ता बजट स्मार्टफोन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जिसका नाम है ओप्पो A1K। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा और साथ ही साथ फेस अनलॉक पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले कीमत की बात की जाए तो 8000 रुपये तक की इसकी कीमत रखी गई है, जिसमें आपको मिलती है 2GB की रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज, रियर में आपको 8MP का कैमरा और फ्रंट में सेल्फी 5MP का आपको इसमें मिलता है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं दिया गया है। बैटरी 4000mAh की पावरफुल आपको इसमें मिल जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से अनबॉक्सिंग को करते हैं स्टार्ट। मोबाइल आता है कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। तो यहाँ पर बॉक्स में हमें मोबाइल का पूरा डिजाइन देखने को मिल जाता है। बैक साइड देखें तो हेडलाइन फीचर्स में ज्यादा जानकारी दी नहीं गई है, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। मोबाइल का बॉक्स हमने कर दिया है ओपन। सबसे ऊपर हमें मिलता है एक मिनी बॉक्स, जिसके अंदर हमें मिलता है क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ ही आपको एक फोन का सुरक्षा कवच इसमें मिल जाता है। फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का कवर दिया गया है फोन की सुरक्षा के लिए। इसके बाद हमें मोबाइल देखने को मिलता है, इसको हम साइड में रख के अंदर कॉन्टेंट देखें तो, और हमें इसमें चार्जर दिया गया है, एक चार्जर अडेप्टर, जिसकी आउटपुट रेटिंग हम देखें तो इसमें हमें मिलता है 5V 2A का चार्जर हमें इसमें मिल जाता है 4000mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। साथ ही आपको इसमें एक नॉर्मल USB केबल मिल जाती है। ये है हमारा ओप्पो A1K स्मार्टफोन, जिसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। वहीं बैक साइड देखें तो यहाँ पर हमें मैट फिनिश देखने को मिलती है बैक साइड में। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं दिया गया है। साथ ही आपको रियर में एक सिंगल कैमरा मिलता है मात्र 8MP का। राइट साइड में देखें तो यहाँ पर पावर ऑन की मिलती है, ऊपर की साइड हमें कुछ नहीं दिया गया है। लेफ्ट में हमें सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं। बॉटम में हमें स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक, माइक और 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। एक साथ सब कुछ आपको बॉटम में मिल जाता है। फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो इसकी पावर को जल्दी से कर लेते हैं ऑन और देखते हैं हमें डिस्प्ले क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है। तो बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज की, तो इसमें आपको मिलती है 6.1 इंच की IPS LCD, एस्पेक्ट रेशो 19:5:9 का मिलता है। स्क्रीन रेजुलेशन 720x1560 का आपको इसमें स्क्रीन रेजुलेशन मिलता है। पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें 282 PPI की मिलती है और मोबाइल की थिकनेस आपको 8.4mm की इसमें दी गई है और वेट है इसका 170 ग्राम। मोबाइल की पावर को हमने कर दिया है ऑन, तो यहां पर हमें कुछ इस टाइप की डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। यहां पर हम कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं मोबाइल का और फुल कर देते हैं ताकि हमें और अच्छे से डिस्प्ले देखने को मिले। तो यहाँ पर हम आइकन देख सकते हैं, कुछ इस टाइप के हमें आइकन देखने को इसमें मिलते हैं। कई ऐप आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है, फेसबुक, यूसी ब्राउजर, पेटीएम, अमेजन शॉपिंग जैसी आपको इसमें ऐप प्री इंस्टॉल मिल जाती है। हालांकि इन्हें रिमूव कर सकते हैं हम या नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जी हाँ, आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अनवांटेड ऐप को आप हटा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो ऐप आपको पसंद है वो फ़ोन में आप रख सकते हैं। नज़र डालते हैं इसकी सेटिंग में, तो यहाँ पर हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में अबाउट फोन सेक्शन यहाँ पर है और इसे हम ऑन कर लेते हैं। तो इसमें हमें कस्टम UI कलर OS वर्जन हमें 6.0 मिलता है, V6.0, और एंड्रॉयड वर्जन हमें इसमें 9 का मिलता है, जो कि हमें पाई इसमें मिल जाता है। ये देखिए हमें इसमें पाई मिल जाता है। बाकी सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 5 मार्च 2019 का मिल जाता है। रैम आपको इसमें 2GB की दी गई है और जो डिवाइस का स्टोरेज दिया गया है 32GB में से आपको लगभग 19.8GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। बाकी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256GB तक का आप इसमें मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, 256GB तक का कार्ड सपोर्ट कर सकता है ये मोबाइल। आप नज़र डालते हैं इसके कैमरा पर, तो यहाँ पर हम कैमरा कर लेते हैं इसका ऑन और देखते हैं यहाँ पर हमें 8MP का कैसा कैमरा इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमने कैमरा कर दिया है ऑन, टर्म एंड कंडीशन आप ओके कर दें और ये हमारा 8MP का कैमरा है कुछ इस टाइप का। एक फ़ोटो यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो ये है इसके नॉर्मल मोड में ली गई पिक्चर्स जो कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिलती है। जूम कर दी है हमने फुल, तो
पिक्चर हमें कुछ ऐसी देखने को मिलती है। बाकी इसमें अदर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट का मोड भी दिया गया है। इसमें भी हम एक पिक्चर लेके देख लेते हैं कैसी पिक्चर हमें देखने को मिलती है। तो ये है पोर्ट्रेट मोड में ली गई पिक्चर्स। हल्का ब्लर देखने को हमें मिल जाता है बैकग्राउंड में, और ठीक ठाक पिक्चर क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। अब सेल्फी कैमरा पर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर हमने सेल्फी कैमरा कर दिया है ऑन, जो कि 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो इससे हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये है सेल्फी कैमरा से ली गई फ़ोटो, जो कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिलती है। आपको सेल्फी में भी पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो एक पिक्चर हम ले लेते हैं पोर्ट्रेट मोड में। तो ये है पोर्ट्रेट मोड में ली गई सेल्फी। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं हल्का ब्लर आपको देखने को मिल जाता है। तो ठीक ठाक 5 मेगापिक्सल से आपको सेल्फी मिल जाती है इस मोबाइल से भी। और अब देखते हैं इसका फेस अनलॉक कैसा वर्क करता है। मोबाइल में हमने फेस अनलॉक सेट कर दिया है। अभी हमारा डिवाइस बिल्कुल लॉक है, और यहाँ पर हम देखते हैं फेस की तरफ करके और देखते हैं कैसा वर्क करता है। थोड़ा टाइम जरूर ले रहा है, मगर वर्क ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल हमें फेस अनलॉक इसमें मिल जाता है, बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर तो दिया नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 8,000 रुपये की कीमत में ये फ़ोन आपको कैसा लगा। नहीं तो आपके पास तो कई ऑप्शन है, 8,000 रुपये की कीमत में आपको ड्यूल कैमरा वाले फ़ोन मिल जाते हैं, और साथ ही आपको ट्रिपल कैमरा का आपको इन्फिनिक्स का स्मार्ट 3 प्लस भी ऑप्शन है। तो आप अपनी पसंद नापसंद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मोबाइल कैसा लगा। अगर आपने परचेस किया हुआ है तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ मोबाइल के बारे में आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।